पर मोदी की विपक्ष को चुनौती, मेरे किसी काम में भेदभाव खोजकर दिखाएं। पीएम ने नागरिकता कानून पर विपक्ष पर साधा निशाना, सियासी दल नागरिकता मुद्दे पर लोगों को कर रहे हैं गुमराह। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। इस रैली में पीएम मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकता कानून पर राजनीतिक दलों के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पीएम मोदी का कहना है कि उन्होंने किसी भी काम में लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया है। पीएम मोदी ने कहा, मैं विपक्ष को खुली चुनौती देता हूं कि मेरे किसी भी काम में भेदभाव खोजकर दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध कर रहे विपक्ष को निशाना साधा। उन्होंने रविवार को कहा, संसद में आपके भविष्य के लिए नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 पास किया गया है। कानून पर आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक दल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और आपको भड़का रहे हैं। मोदी ने कहा कि पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी करते समय हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। जिन पुलिस वालों पर ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें जख्मी करके आपको क्या मिलेगा? आजादी के बाद 33,000 से ज्यादा पुलिस वालों ने शांति के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए शहादत दी है। पीएम ने कहा कि दिल्ली में लोगों को उकसाने वाली बातें कही गई हैं और इसके लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर आग लगाने की कोशिश की गई। पीएम ने कहा कि भ्रम फैलाने वाले लोग CAA पर झूठा फैला रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, ये लोग किस तरह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए किस हद तक जा रहे हैं, ये आपने पिछले हफ्ते भी देखा होगा। जो बयान दिए गए, झूठे वीडियो उकसाने वाली बातें कही, उच्च स्तर पर बैठे लोगों ने सोशल मीडिया में डालकर भ्रम और आग फैलाने का गुनाह किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या जब हमने दिल्ली की सड़कों, कॉलोनियों को वैध कराने का काम किया तो किसी से पूछा क्या कि आपका धर्म है, आपकी आस्था किस तरफ है, आप किस पार्टी के समर्थक है? पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग झूठ बोलकर मुस्लिमों में भ्रम फैला रहे हैं।